हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स आप सभी के बीच सेमेस्टर 1 2022-26 वाले सेशन के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मेजर पेपर का सिलेबस जो न्यू FYUGP का आया है स्टूडेंट्स, उसको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे सिलेबस में आ चुके हैं हम, सिलेबस फॉर BA इंग्लिश मेजर या ऑनर्स। मेजर को ही ऑनर्स कहा जाता है, जो पहले ऑनर्स कहा जाता था। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। फिर प्रोग्राम आउटकम, क्या आपको इससे बेनिफिट होगा इसको पढ़ने से। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिया हुआ तो इम्पोर्टेंट होगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, द मेजर इन इंग्लिश एम्स एट प्रोमोटिंग द फॉलोइंग आउटकम्स इन द स्टूडेंट्स, ये नीचे में दिया हुआ है। ठीक है, इंक्लूसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लाइट्रेरी स्टडीज, आपको जो है ना नॉलेज होएगा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट है स्टूडेंट्स इनहेंसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत ही बढ़िया से डेवलप हो जाएगा, तो ये आपका दो ठो हो गया। तीसरा है स्टूडेंट्स प्रमोशन ऑफ रेशनल डायग्नोसिस इन मैटर्स ऑफ लिटरेरी असेसमेंट, तो जो रेशनल है प्रमोशन ऑफ रेशनल डायग्नोसिस इन मैटर्स ऑफ लिटरेरी असेसमेंट, तो ये होगा स्टूडेंट्स। फिर है कल्टिवेशन ऑफ रिसर्च रिलेटेड स्किल्स, जो कल्टिवेशन ऑफ रिसर्च है उससे रिलेटेड आपका स्किल्स डेवलप होगा। फिर है कोलाबोरेटिव लर्निंग आपका आएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल कॉम्पिटेंस, ठीक कॉम्पिटेंस ये आपको आएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉरल इथिकल लिटरेरी एंड ह्यूमन वैल्यूज, ये भी आपको आएगा स्टूडेंट्स। फिर डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम आउटकम है। इसके बाद यहाँ आपका सिलेबस के बारे में दिया स्टूडेंट्स, कोर्स लेवल लर्निंग आउटकम, ये आपका कोर्स लेवल लर्निंग आउटकम है। इसे भी ज़्यादा ज़रूरी है नहीं स्टूडेंट्स पढ़ना, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशियो पोलिटिकल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द पीरियड्स अंडर स्टडी, अ कम्प्रेहेंसिव अक्वाइंटेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि इसके इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि आप जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे उसका जो संक्षिप्त एक तरह से होता है ना वो आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्रेहेंसिव अक्वाइंटेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो डेवलप हुआ ना इंग्लिश लैंग्वेज का वो किस प्रकार से हुआ, और इसका लिटरेचर का भी साहित्य का भी। ठीक है, इंग्लिश साहित्य अंग्रेजी साहित्य का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपको मुख्यतः जानना है। एन अक्वाइंटेंस विथ द नेचर एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं प्रकार है ना इंग्लिश पोइट्री का, उसको आपको जानना जानेंगे आप इस सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। फिर ट्रांसिटरी फेजेस फ्रॉम मिडल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश, जो मध्य अंग्रेजी है और मॉडर्न अंग्रेजी यानी आधुनिक अंग्रेजी है उसके बारे में आपको पता चलेगा। फिर कन्वर्जेंस विथ द फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन इट्स फॉर्मेटिव स्टेज, जो इंग्लिश ड्रामा है स्टूडेंट्स उसके बारे में आपको बढ़िया से कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली आ चुके हैं स्टूडेंट्स सिलेबस में, आपको यही कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना ही है स्टूडेंट्स, इसको इतना ही पढ़ना है। ठीक, यहाँ दिया हुआ है जॉफ्री चौसर का द नंस प्रीस्ट टेल, ये पढ़ना है। सेकेंड है स्पेंसर का सिलेक्शन फॉर्म अमरोटी, ये आपको मुख्यतः स्टूडेंट्स ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा के बारे में जानना है, चौसर एंड एलिजाबेथ एज में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो जॉफ्री चौसर का द नंस प्रीस्ट टेल है, स्पेंसर सिलेक्शन फॉर्म अमरोटी है, सोनेट के बारे में इसमें जानेंगे द होली सीजन सोनेट द वन डे आई रोट हर नेम, तो ये होगा स्टूडेंट्स। फिर जॉन डोने द फ्लिया हैमन टू गॉड द फादर, ये होगा स्टूडेंट्स जॉन डोने में।
फिर है फोर्थ विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का ओथेलो एज यू लाइक इट, इसके बारे में आप जानेंगे। फिर है क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लोवे, इसका है डॉक्टर फोस्टस, तो इसको आप जानेंगे। फिर ये है स्टूडेंट्स टॉपिक्स फॉर प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, आपको जो क्लासरूम में आपको देंगे, ठीक है। सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन 14th सेंचुरी इंग्लैंड, रिफॉर्मेशन एंड रेनेसा इन यूरोप एंड इंग्लैंड, जो रेनेसा एज है उसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जो ग्रोथ हुआ इंग्लिश ड्रामा के अंदर टिल द 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी में जो हुआ उसके बारे में। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, सेनेका, सेनेका इन इंग्लिश ड्रामा, सेनेका इंग्लिश ड्रामा के बारे में आपको जाना। एमेच्योरी एंड रिलीजियस पोएट्री, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब सजेस्टेड रीडिंग्स, आप यानी कि आपको क्या क्या कौन कौन से बुक्स पढ़ने जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया, तो अब्राहम्स का MHGG हार्फम, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, सेंजेज लर्निंग, अरूफो क्रिस्टोफर अ रैशनल गाइड टूवर्ड्स स्कैंसन मेड सिंपल अकोस्टिक लर्निंग इन, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, यहाँ जो भी आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और ये जो है स्टूडेंट्स आप अपने यहाँ भी दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक का नाम नजर आया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री और फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये जो है हडसन का है और ये क्रिएर्सन हर्बर्ट का है, जेसी स्मिथ का, तो ये सब जो है स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया बुक नज़र आ रहा है कुछ कुछ, तो आप यहाँ सारा लगभग बढ़िया ही है स्टूडेंट्स, बट कोई कोई जो है ज़्यादा फेमस है, तो आप ये जितना भी बुक्स हैं स्टूडेंट्स आप सभी का नाम लिख लीजिएगा अपने किसी कॉपी में या फिर पेज में, और आपके अगर कॉलेज में है सुविधा लाइब्रेरी का तो वहाँ जाके आप दिखाइए, और हर एक बुक को आप पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। ये आपको बुक उपलब्ध ज़रूर होगा लाइब्रेरी में शायद, बट और इसको पढ़ना स्टूडेंट्स और बढ़िया से पढ़ना है, 75% से ज़्यादा अंक लाने हैं इस बार, ताकि आपका फोर्थ ईयर में एडमिशन हो पाए और बढ़िया नंबर आएंगे तो आपका अवश्य होगा, ठीक है। तो आप बढ़िया से पढ़िए इसको, और फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया हुआ स्टूडेंट्स, यानी इंटरनल एग्जामिनेशन 20-25 मार्क्स है, फिर यहाँ 25 मार्क्स दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है। रिटेन एग्जामिनेशन यानी इंटरनल जो आपके कॉलेज के अंदर होगा वो 20 मार्क्स के हैं, और ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस, क्लास परफॉर्मेंस या अटेंडेंस के आधार पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन पैटर्न इन सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, ये आपका जो रहेगा इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विदाउट मल्टीपल चॉइस टू बी आंसर्ड, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, ये आपका इंटरनल होगा, वो कॉलेज वाला समझेगा स्टूडेंट्स। फिर आपका जो ये है वो ये वाला सेंटर वाला है, यानी कि आपको सेंटर में जो एग्जामिनेशन देना है एडमिट कार्ड लेके जाके, ये 75 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न इन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ग्रुप ए दिया हुआ है, देखते पहले पूरा, ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ग्रुप सी है, इतना में आपको दिया जाएगा वहाँ, ठीक है। 3 टाइप का ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये 3 ग्रुप में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला रहेगा 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विदाउट मल्टीपल चॉइस टू बी आंसर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट पर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि एक ही है ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। फिर ग्रुप बी में है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम द नन्स प्रीस्ट टॉल आस्किंग टू पैराफ्रेज 10 लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल पोएम, ये ओरिजिनल पोएम से आपको देगा ग्रुप बी में, ग्रुप बी में देगा 10 नंबर का, ठीक है। फिर ग्रुप सी में है 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ द चॉइस ऑफ 5 क्वेश्चंस विथ वन अल्टरनेटिव ईच फॉर्म ऑल द सेक्शन प्रिस्क्राइब्ड एटलीस्ट 1 फॉर्म ईच प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन, ठीक है। तो ये आपका जो रहेगा स्टूडेंट्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। फिर यहाँ ग्रुप सी का ही सेकेंड में है
टू एक्सप्लेनेशन विथ रिफरेंस टू कंटेक्स्ट टू बी आंसर्ड आउट ऑफ फोर एक्सट्रैक्ट्स टू बी सेट एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच सेक्शन, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, तो टोटल फिर 20, 75 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स। तो यही था स्टूडेंट्स, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।